अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले राम पथ और भक्ति पथ के किनारे लगी बैम्बू लाइट और गोबो प्रोजेक्टर लाइटों का चोरी का मामला फिर से सामने आ गया है, जिसे पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले पर हमने पहले भी वीडियो जारी किया था जिसमें चोरी का मामला बताया गया था, लेकिन दरअसल मामला उल्टा है। 14 अगस्त को खबर वायरल होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसते हुए भी कहा था कि अयोध्या में चोरों ने कानून व्यवस्था की बत्ती गुल कर दी है। इस घटना की सच्चाई जानने के बाद दैनिक भास्कर ने अपना ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया और कई सवालों का जवाब ढूंढा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी पांडे ने खुलासा किया कि इस परियोजना में भ्रष्टाचार की बू आती है। उनके अनुसार जिस कंपनी को राम पथ और भक्ति पथ पर लाइटें लगाने का ठेका दिया गया था उसने केवल 2600 लाइटें लगाई, जबकि उसने 6400 लाइटों के लिए भुगतान लिया। इस मामले में कंपनी को 23,35,000 रुपए का भुगतान किया गया था, जबकि 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइटों के लिए कुल 38,74,000 रुपए दिए गए। अश्विनी पांडे का कहना है कि कंपनी द्वारा दी गई FIR पूरी तरह से झूठी है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा लाइटों के सत्यापन की मांग की गई थी, लेकिन कंपनी ने इस पर कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। इसके अलावा मई महीने में ही लाइटें की चोरी की बात सामने आ गई, लेकिन कंपनी ने इस पर भी देरी से प्रतिक्रिया दी और चोरी का बहाना बनाने लगी। पुलिस जांच में भी इस मामले को लेकर संदेह व्यक्त किया कि कंपनी ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसे प्राधिकरण ने निराधार करार दिया है। प्राधिकरण ने भी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार राम पथ और भक्ति पथ पर लाइटें लगाई गई थी, लेकिन अब ये लाइटें गायब सी हो गई। लोग इस चोरी से नाराज हैं और प्रशासन से इस मामले की निष्पक्षता की जांच की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने अयोध्या में चल रही परियोजनाओं और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो यह घटना प्रशासनिक भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि इस मामले में दोषियों को कब तक न्याय के कटघरे में लाया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने जबरदस्त आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बंबू लाइटें चोरी होने का सच, कंपनी ने 2600 लाइटें लगाकर 6400 का पेमेंट लिया, सत्यापन हुआ तो चोरी की FIR कराई। फिलहाल दोस्तों भगवान की नगरी अयोध्या में भी इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कॉमेंट में हमें साझा करें। धन्यवाद।